आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल नेहास किचन में। आपने ये चॉकलेट टोब्लेरोन तो बहुत बार खाया होगा, पर क्या आपने कभी इसका आइसक्रीम बनाकर घर में खाया है? लंदन में स्प्रिंग तो स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही जल्दी समर भी स्टार्ट हो जाएगा, बट इंडिया में ऑलरेडी समर स्टार्ट हो चुका है, तो आप एक बार घर में ये वाला आइसक्रीम बना के जरूर देखिएगा। तो मैंने इस आइसक्रीम में सिर्फ 3 चीजें डाली हैं, तो कौन सी हैं ये 3 चीजें, इसके लिए चलिए देखते हैं इसकी एक क्विक रेसिपी। तो आपको अगर ये आइसक्रीम पसंद आए तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मेरे बेटे ने चुपके से इसमें से एक चॉकलेट निकाल कर खा लिया है, तो आप यहाँ पर ले लीजिए 100 ग्राम चॉकलेट, या तो आप अपनी पसंद का कोई भी नट वाला चॉकलेट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चॉकलेट को बहुत ही ज्यादा बारीक आप काट लें, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक आप काटेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और मैंने थोड़े से चॉकलेट यहाँ अलग से रख लिए हैं जिसे मैं आइसक्रीम में बाद में डालूंगी। बाकी कटे हुए चॉकलेट को आप एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में रख लें। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे डबल बॉइलिंग मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/4 कप या फिर 50 ml तक व्हिप्ड क्रीम। तो इसे हम पहले 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे, और अगर इसमें लम्स रहे तो इसे फिर से 10 सेकेंड्स के लिए हम माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे। तो 20 सेकेंड के बाद ये अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है तो इसे 10 सेकेंड्स के लिए और हम माइक्रोवेव कर लेंगे। सारी रेसिपी आपको ऐसे ही टिप्स और सीक्रेट के साथ मिलते रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो इसे आप रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख दें। एक बड़े से बाउल में आप ले लें 1 कप या फिर 250 ml तक ठंडा व्हिप्ड क्रीम। इंडिया में जो अमूल का व्हिप्ड क्रीम आता है आप वो भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आइसक्रीम में मिठास के लिए हम डालेंगे 200 ml या फिर आप कह सकते हैं 3/4 कप कंडेंस मिल्क। तो जो ये कंडेंस मिल्क का टेस्ट होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। मुझे याद है बचपन में हम इसे फ्रिज में से चोरी कर ऐसे ही खा लिया करते थे, तो आइसक्रीम में इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हमें व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क को मीडियम स्पीड में अच्छे से बीट करना है, अच्छे से मिक्स करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट इसे मिक्स करने के बाद आप उसमें डाल दीजिए मेल्टेड चॉकलेट जो हमने पहले ही रेडी करके रखा था, और याद रखिएगा कि डालते वक्त ये जो चॉकलेट है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। तो अब हमें इसे मीडियम स्पीड में अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट ना हो जाए, और जो ये व्हिपिंग क्रीम हमने इसमें डालना है वो अच्छा व्हिप्ड होना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये करने में आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, और आपको इस स्टेज तक ही इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे पहले से जो चॉप करके हमने चॉकलेट रखा हुआ था। इसका आइसक्रीम में बहुत ही अच्छा एक क्रंची टेस्ट आता है। तो आपको ये आइसक्रीम बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही लगेंगे, और इतनी अच्छी घर पे ही चॉकलेट आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। तो आइसक्रीम को जमाने के लिए आप कोई भी डब्बा यूज कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कि आप एयर टाइट डब्बा ही यूज करें। तो इन सारी चीजों से ये करीबन 500 से 600 ग्राम तक की आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाती है, और आप घर में एक बार ये आइसक्रीम बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए आपको बाजार की कोई भी आइसक्रीम पसंद नहीं आएगी। ये खाने में इतनी टेस्टी और इतनी क्रीमी होती है। तो आप कंटेनर को अच्छे से बंद करिए, तो आप यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर ही यूज करिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शनल स्टेप बता रही हूँ, अगर आप कंटेनर को किसी प्लास्टिक बैग में या फिर किसी एयर टाइट जिप पाउच में करके रखेंगे तो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनेगी, और इससे आइसक्रीम के ऊपर कोई भी बर्फ की परत नहीं जमेगी। तो इसे हमें रात भर के लिए फ्रीजर में अच्छे से जमने के लिए छोड़ देना है। तो 8 से 9 घंटे या फिर रात भर फ्रीजर में रखने के बाद अब हम आइसक्रीम ओपन करके देखते हैं कि आइसक्रीम कैसे बनी है। और आइसक्रीम बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, तो चलिए अभी इसे हम सर्व करते हैं।
तो कैसे लगी आपको ये आइसक्रीम की रेसिपी, ये मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। मेरे आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।